तो वेलकम दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करें कि अब रियलमी जी की न्यू 3T मोबाइल में दोस्तों सिस्टम को अपडेट कैसे करेंगे। दोस्तों आपके मोबाइल में सिस्टम अपडेट समय समय पे आते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके मोबाइल में कुछ ऐसे फीचर्स जो दोस्तों आपके मोबाइल में नहीं रहते और दोस्तों सिस्टम अपडेट के बाद वो अवेलेबल हो जाते हैं, तो उसको कैसे सेट करेंगे और दोस्तों कैसे अपडेट कर पाएंगे, तो दोस्तों पूरी जानकारी आप लोगों को मिलेगी, जिससे कि दोस्तों आप अपने मोबाइल में आसानी से सिस्टम को अपडेट कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, जिससे कि दोस्तों आपको आसानी से अपने मोबाइल में सिस्टम को अपडेट कर पाए। तो दोस्तों तो सिस्टम को अपडेट करने के लिए आपको दोस्तों सेटिंग को ओपन कर लेना है, और जैसे ही सेटिंग को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाता है। तो आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन। तो सिंपल आपको करना क्या, सॉफ्टवेयर अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे भी आपको एक नंबर रेड कलर में लिखा रहेगा, तो आपको इस पे अपडेट पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपके मोबाइल में देख सकते हैं क्या अपडेट आया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे रियलमी UI 3.0 का अपडेट आया हुआ है, और दोस्तों एंड्रॉयड वर्जन जो है आपका वो 12 यानी कि दोस्तों 12 है। तो यहाँ पे ऑफिशियल वर्जन दोस्तों आपका कितना दोस्तों KB या GB में है, दोस्तों MB में है, वो आपका वर्जन यहाँ पे दिखाई देता है कि आपके मोबाइल में 4 GB पॉइंट दोस्तों 17 GB का अपडेट है। तो दोस्तों आपके मोबाइल में अगर इतना डाटा उपलब्ध है तो ही आपका अपडेट पूरा हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके पास ये डाटा नहीं है तो वाईफाई से आप कनेक्ट करवा के आप इसको अपडेट कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको आप यहाँ से पढ़ लेना है क्या क्या अपडेट आया हुआ है, बहुत सारा अपडेट है दोस्तों यहाँ पे, आपको पढ़ लेना है और रीड कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है मोबाइल में दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड इंस्टॉल नाम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो उसको यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ा डाउनलोड करके रखा था, इसके लिए दोस्तों हमारे मोबाइल में कंटिन्यू डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो आपके मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल का ऑप्शन रहेगा, आपको उस पर क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपको दोस्तों यहाँ से आप डाउनलोड कंटिन्यू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, और दोस्तों यहाँ पे आपके मोबाइल में ये डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों ये लाइन आपकी पूरी हो जाएगी, तो दोस्तों जैसे ही आपका ये लाइन पूरा हो जाता है उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस हो जाता है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों अपडेट नाउ का ऑप्शन, तो आपको सिंपल अपडेट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और जैसे यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वेरीफाई देखने को मिलेगा, आपको ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपका मोबाइल ऑटोमेटिक ही स्विच ऑफ हो जाएगा, और दोस्तों आपके मोबाइल स्विच ऑफ होने के बाद दोस्तों आपको फिर भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आपका मोबाइल ऑटोमेटिक ही ऑन होगा। और दोस्तों आपका मोबाइल ऑटोमेटिक ऑन, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आप हमारा मोबाइल ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है। अब दोस्तों आपके मोबाइल में सिस्टम अपडेट पूरा हो चुका है। अब दोस्तों आपके मोबाइल में जो भी फीचर्स अवेलेबल रहेंगे वो आपके मोबाइल में आ जाएगा, और दोस्तों आपका मोबाइल दोस्तों न्यू जैसे वर्जन जो आपके मोबाइल में आया रहेगा वो आपके मोबाइल में सेट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो से जानकारी मिले प्लीज़ वीडियो